नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन साक्षी डॉट इन में। सुमन गोस्वामी जी दूसरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। सुमन जी की उम्र 32 वर्ष है। इनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। 10वीं क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की है और ये रहने वाले उत्तर प्रदेश इटावा से हैं। गरीब घर से हैं ये। पहली शादी में इनके हस्बैंड से इनका तलाक हो गया है और इनकी एक बच्ची भी है 1.5 साल की, जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में इनके साथ। और दूसरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं, जल्द से जल्द रिश्ता करना चाहती हैं। एक सच्चे हमसफ़र की तलाश है, जो उनका जीवन काफ़ी परेशान है ये, और दूसरे के घरों में खाना बनाकर अपना गुजारा कर रही हैं। इनका कहना था कि इनके पति इनके साथ और इनकी बच्ची के साथ मारपीट करते थे, जिस वजह से इनका तलाक हो गया। और काफ़ी समय से ये रिश्ता देख रही हैं, पर इनको एक ऐसा हमसफ़र नहीं मिल पाया है जो इनकी बच्ची को इनके साथ अपनाए। ये ऐसे ही रिश्ते की तलाश कर रहे हैं जो इनकी बच्ची को इनके साथ अपनाए और एक पिता का प्यार दें। जल्दी ये रिश्ता करना चाहती हैं। तो यदि आपको सुमन जी का बायोडाटा पसंद है तो आप इनसे संपर्क करें, और यदि आपको इनका प्रोफाइल पसंद नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट jeevansakshi.in पर जाएं। वेबसाइट पर आपको इनके जैसे बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर वेबसाइट पर विज़िट करें। और यदि आपको सुमन जी का बायोडाटा पसंद है और आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनकी बच्ची को अपना सकते हैं और एक पिता का प्यार दे सकते हैं, तो ही आप इनसे संपर्क करें। हिंदू जाति के इनको रिश्ते चलेंगे। अगर आप विधुर हैं, तलाकशुदा हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं, तो भी उन बच्चों को अपना लेंगी और एक माँ का प्यार देंगी, ऐसा उनका कहना है। कभी भेदभाव नहीं करेंगी, बस एक सच्चे हमसफर की तलाश से जो उनके साथ मारपीट ना करे और जीवन भर इनका साथ निभाए। तो यदि आपको सुमन जी का बायोडाटा पसंद है और आप इनसे रिश्ता करना चाहते हैं, तो जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर आप मिस कॉल करें, ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुँचा सकें और ये आपसे संपर्क करके आगे की बात बढ़ाएं। अगर आपको सुमन जी का प्रोफाइल पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल jeevansakshi.in को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।